नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, सरकार की नाकामी को जनता के सामने उजागर कर रहा है। वहीं चुनाव से पहले महायुति के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीजेपी से बागी हुए नेता अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेता बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी से बागी हुए नेता किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। बता दें कि विपक्ष बीजेपी की नाकामी को जनता के बीच में लाकर के महायुति सरकार की पोल खोल रहा है। बीजेपी नेता अब अपने बिछाए जाल में ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार देवेंद्र फडणवीस बागी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको मनाने की जुगत में जुट गए हैं। बता दें कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और उनकी सुरक्षा में कमांडो की तैनाती की गई है। उनका नागपुर स्थित आवास की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, उनके आवास में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस जहां भी जाते हैं कमांडो उनकी चारों तरफ घेरा लगा के रहते हैं। वहीं फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जमकर के निशाना साधा है और फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर राउत ने कहा कि जो दूसरों की सुरक्षा देता है वो खुद सुरक्षा लिए फिर रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के गृह मंत्री भी हैं और वो अचानक अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ही बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन ये गृह मंत्री जो हैं वो अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बता रहे कि संजय राउत ने कहा कि हमने देखा उनके घर के बाहर फोर्स है और कमांडो खड़े हैं। नागपुर में उनके घर के बाहर 200 कमांडो खड़े हैं, वो जहां जाते हैं उनका पूरा घेर लिया जाता है। संजय राउत ने कहा कि जो हमारी चिंता है कि क्या हमारे राज्य के गृह मंत्री जी की जान को खतरा है। शिवसेना उद्धव गुर्ज के नेता संजय राउत ने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे क्यों हैं और उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ है जो हमारे गृह मंत्री फोर्स वन के कमांडो के घेरे में घूम रहे हैं, क्या उनके ऊपर इसराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है, यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, उनके साथ युद्ध होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की डीजी तो इस बात को बताना चाहिए। और क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस राज्य के गृह मंत्री है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अचानक अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ही बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देता है, लेकिन ये गृह मंत्री जो है अपनी खुद की सुरक्षा बढ़ा देता है अचानक से। हमने देखा उनके घर के बाहर फोर्स वन कमांडोज खड़े हैं, 200 कमांडोज खड़े हैं नागपुर में, वो जहां जा रहे पूरा घेर लिया है उनको। तो ये हमारी चिंता है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री को किससे धोखा निर्माण हो गया है, क्या उनको जान को खतरा है, लेकिन किसके तरफ से धोखा है हमको ये समझना चाहिए। इस राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हमारे गृहमंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। हमें बताइए कि अचानक से फोर्स वन के कमांडो के घेरे में हमारे गृहमंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है, क्या उनके ऊपर इसराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है, कौन करने वाला है, मुझे यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है उनके साथ, बताइए ना, बताने में क्या है। रश्मि शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की डीजी, उसने तो बताना चाहिए कि भाई क्या है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई की ओर से उन्हें Z+ कैटेगरी के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जब चुनाव से पहले अचानक उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी सुरक्षा में फोर्स वन के पूर्व कर्मियों की तैनाती होगी। इस बीच शुक्रवार को मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये निर्णय लिया है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस की सुरक्षा में तैनात कर्मियों में बदलाव किए गए हैं। जो कर्मी पहले राज्य पुलिस की एक विशिष्ट कमांडो इकाई फोर्स वन में तैनात थे और उनकी ड्यूटी अब स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में है, इन्हीं को अब डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। बता दें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी किए थे। इसकी पुष्टि राज्य के गृह विभाग ने की थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उनकी सुरक्षा में फोर्स वन के 12 जवानों को तैनात किया गया है।
बता रहे कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पास आ रही कुछ जानकारियों से पता चला है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जान को अल्ट्रा फोर्सेस से खतरा है और कोई साजिश रची जा रही है। ये जानकारी जो है वो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य एजेंसियों को दी। इसके बाद राज्य के पुलिस बल को सतर्क कर दिया गया है और तुरंत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा की गहन समीक्षा की गई, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुंबई में उनके आधिकारिक आवास, नागपुर में उनके आवास और उनके कार्यक्रम पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फडणवीस चुनाव प्रचार की बांगी नेताओं को मनाने में जो है वो व्यस्त चल रहे हैं। वहीं खुफिया विभाग की सूचना के बाद उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की मुसीबत पहले से ही बहुत अधिक बड़ी हुई है और कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बांगियों ने बीजेपी और उनके साथियों की गणित को फेल कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र का रण महायुति के लिए आसान नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी से लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान नहीं आ रहे हैं। पार्टी में जारी अंतर कलह से बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी नेता बयानबाजी करने से बच रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के बांगी नेता गोपाल शेट्टी को उत्तर मुंबई की बोरीवली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान से हटने के वास्ते मनाने के लिए शनिवार को उनसे मुलाकात की। दो बार के लोकसभा सदस्य और कई बार के विधायक रहे शेट्टी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज करते हुए संजय उपाध्याय को बोरीवली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। आपको बता रहे कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गोपाल शेट्टी ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वासन दिया है कि वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। तावड़े ने एक्स पर शेट्टी और फडणवीस की तस्वीर भी शेयर की है। हालांकि अब तक ये जो है वो साफ नहीं हुआ है कि शेट्टी चुनाव मैदान से हटेंगे या नहीं। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। शेट्टी ने पिछले सप्ताह अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा था कि मैंने ये फैसला जो है वो पार्टी टिकट की चाहत में नहीं किया है, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की चिंता में हुआ है, जिनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 50 के करीब बांगी नेता निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की टेंशन बढ़ी हुई है। महायुति में सबसे अधिक 19 बांगी बीजेपी में हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे से 16 और एनसीपी अजित पवार गुट से एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में इन बांगी नेताओं को मनाने की कवायद जो है वो ज्यादा तेज हो गई है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोपाल शेट्टी को मनाने पहुंचे थे। उधर अजित पवार ने बीजेपी की बात न मानते हुए नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि राज्य में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांटे का मुकाबला है। बहुमत किसको मिलेगा पता नहीं, लेकिन बिना अजित पवार की मर्जी से कोई सरकार नहीं बन सकती। राज्य में कौन किसके साथ जाएगा कुछ पता नहीं, नतीजों के बाद ही सब साफ हो पाएगा। इसमें अजित पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने आगे कहा कि तमाम विरोधों के बाद भी मैं अजित पवार की पार्टी से चुनाव मैदान में हूं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी मेरे खिलाफ मैदान में है। लोग मुझे आतंकवादी और देशद्रोही कहते थे, लेकिन मैं आरोपों से घबराया नहीं हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए मेरी बेटी मेरा पूरा काम देखती थी, लेकिन मन खुर्द शिवाजी नगर की जनता मांग रही थी, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले भी एनसीपी नेता मलिक की प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी और शिवसेना विरोध करेगी, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से विरोध के बावजूद मुझे टिकट दिया गया है, उसे देखकर लगता है कि सोच समझ के फैसला लिया गया है। उन्होंने अजित पवार पर आभार जताते हुए कहा कि यहां मुकाबला नवाब मलिक बनाम सभी होने वाला है। देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की नैया पार लगाने में कितना सफल हो पाते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।